विशेष जुन चाहिँ 27 तारिकको फिमेल अवेरनेस जैको हेल्पिङ ह्यान्ड्स को तर्फबाट राखिएको थियो है, तपाईँको मिडियालाई यही जनाउन चाहन्छु कि आजको इभेन्ट एकदमै सक्सेसफुली कन्डक्ट भयो है। अनि हाम्रा जति पनि यहाँ सेन्ट जेम्स स्कुलबाट टिचर्स कम स्टुडेन्ट्सहरू छोक्का ग्रुपका धेरै हाम्रा महिला महिला दिदीबहिनीहरू अनि त्यस्तै गरेर मानेपा सङ्घका दिदीबहिनीहरू अनि सङ्गिनी सङ्घ पनि धेरै दिदीबहिनीहरू अनि हेल्थ वर्कर्सहरू त्यस्तै गरेर हाम्रा धेरै अरू समाजका पनि दिदीबहिनीहरू आउनु भएको थिए। उहाँलाई हामी जयकौँ हेल्पिङ ह्यान्ड्सको तर्फबाट एकदम आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद अनि उहाँलाई शुभकामना पनि है। अनि हाम्रो जुन चाहिँ इभेन्ट थियो त्यो इभेन्टमा चाहिँ हामीले आज फिमेललाई स्पेसली अवेरनेस गरायौँ, जसको चाहिँ घरमा या समाजमा जो चाहिँ अल्कोहोलिक पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँको फ्यामिली एज अ फ्यामिली एज अ सोसाइटीले चाहिँ उहाँको के एउटा भूमिका रहन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर चर्चा भयो। अनि धेरै हाम्रा अल्कोहोलिक जो चाहिँ अलरेडी सफर्ड भएका हाम्रा एन्टरप्रेनर्सहरूले पनि उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्नुभयो, एज अ सोसाइटी एज अ फ्यामिली हामीले कसरी के गर्नुपर्ने। अनि तपाईँहरूको च्यानललाई पनि यही भन्न चाहन्छौँ, आउनुहोस् यदि तपाईँहरूको कुनै पनि यस्तो सम्बन्धी तपाईँहरूको यस्तो कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीले फोन नम्बर तपाईँहरूलाई साझा गर्नेछौँ। हामीले जुन चाहिँ एल्कोहोलिक पेसेन्ट्सहरूलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट एउटा एसोसिएसन छ सङ्घ छ जसले चाहिँ उहाँहरूलाई अब क्योर त भन्न मिल्दैन तर हामीले उहाँहरूलाई अवेरनेस यो विषयमा उहाँहरूले गराउनुहुन्छ है। अनि हामी तपाईँहरूलाई पनि आइदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै जुन चाहिँ च्यानलहरू आइदिनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। मेरो नाम कला गुरुङ, म जयगाउँ हेल्पिङ ह्यान्ड्सको प्रेसिडेन्ट। आजका कार्यक्रम एक ये जयगाउँ हेल्पिङ ह्यान्ड्सका तरफ से हमने एक टारगेट पॉपुलेशन फीमेल जो हम लोग का घर चला रही है, जो हम लोग का दीदी है, बहन है, हम लोग का माताएं है, जो एक घर कितने सदियों से चला रही है, उनको हमने बुला के जो एक शराब की लत एक बीमारी है इसका बारे में हमें एक थोड़ा इनको हाईलाइट करना चाहते थे। इनका बारे में इनकी विधि, इनके ट्रीटमेंट की विधि, इनको हम कैसे हैंडल करें, आपका घर में कोई शराबी ना हो लेकिन आपका पड़ोस में हो उसको जाके हम लोग क्या बात कर सकते हैं ताकि हम लोग इस पीड़ित व्यक्ति को मदद कर सके। क्योंकि शराब का बीमारी तो वो शराबी का खाली शारीरिक का बीमारी नहीं है, उसका पूरा उसका मेंटल बीमारी, उसका सोशल बीमारी है, उसका फैमिली में रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है, वो शराबी भाई पिताजी बहन के कारण में उसका परिवार में झगड़ा हो रही है, उसका परिवार नहीं चल पा रहा है। तो ये सब है, ये मल्टी डायमेंशनल है, जो अल्कोहलिज्म है ये मल्टी डायमेंशनल बीमारी है जिसको WHO ने इसको बीमारी घोषित किया गया। इसके मदद के लिए हम लोग ने आज जितने भी हम लोग का समाज के माता है बहनों को हमने आज एकत्रित करके एक सोशल मैसेज पास की है। आज महिला के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी आए थे, स्कूल के बच्चे आए थे, स्कूल से टीचर आए थे और कई ऐसे संगठन जो महिला ये सब चला रहे उन लोग भी आए थे। हम लोग का मैसेज सिंपल है, अगर आपका घर में या आपका समाज में आप कोई शराब से लत एक आदमी को मिले उसको मारे नहीं, उसको घर से निकाले नहीं, उसको कोई बुरा भला नहीं करे बल्कि उसका निकट जो परिवार है उनको जाके हम लोग एक हेल्प एक अपना एक मदद के लिए अपना हाथ बटाए, उनको बोले इस बीमारी के बारे में ताकि वो उचित जगह पे संपर्क कर सके और वहां के वॉलंटियर आके उनके बारे में उन्हें बता सके।
मैं डॉक्टर श्याम गोपाल नाग हूँ और मैं जयगांव हेल्पिंग हैंड्स का चेयरमैन हूँ। सर एक क्वेश्चन था, नॉट ऑल अल्कोहलिक आर बोर्न अल्कोहलिक, दे आर मेड अल्कोहलिक, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, ओके, दे आर अल्कोहलिज्म डिजीज। अल्कोहलिज्म मैंने जैसे लाइक फर्स्ट का सेशन में बोला था, अल्कोहलिज्म हम कब बोलते हैं, जब कोई शराब पी के अनमैनेजेबल हो चुकी है तभी हम अल्कोहलिक्स बोलते हैं। लेकिन ये देखा गया है हम लोग का अध्ययन से, हम लोग का जो एक्सपीरियंस है पेशेंट का डाटा से, कि वो उसका मेंटल हेल्थ, उसका जो कैरेक्टर डिफेक्ट, वो बचपन से अल्कोहलिक हो गया है, उसका विल, उसका सेल्फ विल रन राइट पे वो भाग रहा है, अपना इच्छा को पूरा कर रहा है, उसको एक ऑब्सेशन है कि वो चीज जो मांग रहा हूं उसको पूरा करना ही है, उसको एंगर इश्यूज है। तो ये खाली उस अल्कोहल नहीं है इसका जो, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये खाली अल्कोहल छुड़ाने का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अल्कोहल तो आप 30 डेज 90 डेज एक रिहैब में डाले आपका प्रोग्राम छूट जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो सोच है, उस पर काम करना होता है। सर अभी जो हम देखते हैं कि अभी की जो यंग जनरेशन है ज्यादा करके वो लोगों के इन्फ्लुएंस में, या उन्होंने मतलब ऐसे अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया जो सोचते हैं कि पार्टी करते हैं और शराब पीएंगे तो अमूल बनेंगे या कुछ करेंगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए हम लोग ये बोलना चाहेंगे ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है। आप जो ये जो पीयर प्रेशर पे अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन होता है, उनको ये समझना है कि ये डिजीज जो ये एलर्जी का बात बोलते हैं हम लोग, उसमें है कि नहीं, उसमें भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो आज कर रहा है तो कल नहीं करेगा, और लेकिन ये जो डिजीज प्रोग्रेस होता है वो यही से स्टार्टिंग होती है। तो मेरे जितने भी भाई बहन जो कॉलेज में जा रहे हैं उन्हें ये करना चाहिए इस जो फर्स्ट टेक से ही दूर रहे, इसमें कोई मर्दा नहीं, इसको आप कोई नहीं बोलेगा कि आप मर्द हो या आप कोई साहस हो, और यही है मेरा बात।